हेलो फ्रेंड आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों के लिए बिल्कुल लेटेस्ट कलेक्शंस के, के किचन वेयर हाउस होल्ड प्रोडक्ट्स लेकर आई हूं जो कि आपको ये सारे ही ऑफर्स पे मिल जाएंगे और गर्ल्स के लिए भी मैंने इसमें बहुत ही अच्छे अच्छे प्रोडक्ट्स दिखाए सो वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिएगा तभी आप लोगों को पता चलेगा कि ये कितने ही यूजफुल प्रोडक्ट्स होते हैं और सारे का लिंक भी मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया आप चाहें तो ये सारे प्रोडक्ट्स आप वहाँ से खरीद भी सकते हो न है तो चैनल को सब्सक्राइब करें बेलाइकन प्रेस करें ताकि मेरी वीडियोज़ आपको रोज़ सबसे पहले मिले सबसे पहले आपको दिखा रही हूँ मेकअप ब्रश होल्डर जो कि ये रोटेटेबल वाला है आप इसे राउंड करके भी आराम से सामान्य रख सकते हो और इसमें छोटे छोटे ब्लॉक्स दे रखे होते हैं जिसमें आप ब्रश लिपस्टिक वगैरह रख सकते हो और इसे निकाल भी सकते हो यूज़ करने के बाद सो ट्रांसपेरेंट कैप भी दी रखी होती है जैसे आपने ये सब चीज़ें रखी तो उसे गंदगी भी नहीं होती साफ़ रहते हैं वाटर ड्रेन बास्केट आपको मिल जाएगी अगर आप दो के सेट में लेना चाहते हैं तो आप दो के सेट में भी ले सकते हैं जो कि आप देख सकते हैं बहुत ही क्यूट कैरेट के शेप में बनी है आप इसमें सब्जियां वगैरह धुल सकते हैं ड्रेन कर सकते हैं यह है टू स्टेप फूड स्टोरेज बॉक्स ये बहुत ही अच्छा बॉक्स है जिसके साथ आपको ड्रेनेज बास्केट भी मिल रहा है अगर आप इसमें फ्रूट्स वगैरह धुल के खाते हैं ना तो आप इसमें खा के रख भी सकते हो और उस पर से आप इसमें फ्रूट्स वगैरह धुल भी सकते हैं ड्रेन भी कर सकते हैं एंड गज़ यहाँ मैं आपको सलाद से कर दिखा रही हूँ ट्रांसपेरेंट टाइप का अगर आपको कलर में लेना है तो आप कलर में भी ले सकते हो जिसमें आप कहीं भी ट्रैवलिंग वगैरह में जा रहे हैं तो सलाद बना के रख सकते हो इसके इसके साथ आपको स्पून भी दे रखा होता है सो काफ़ी अच्छा है जो कि आपको लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में मेरे एंड स्पाइस बॉक्स रैग बहुत अच्छा आपको मिल जाएगा ये आपको तीन के सेट में मिल जाएगा इसे आप वॉल वगैरह पे चिपका सकते हो छोटे छोटे से बॉक्स होते हैं जिसमें आप अगर पानी वगैरह भी पड़ जाता है ना तो पानी भी अंदर नहीं जाता है हैंडल साथ में दे रखा है तो हैंडल आप आराम से निकाल के इसमें स्पाइसिस निकाल सकते हो जिसके साथ आपको चम्मच भी मिल जाएगी एंड सिक्स लेयर्स की फूड ट्रे आपको मिल जाएगी इसमें ना छः लेयर होती है छः में आप अलग अलग टाइप के फ्रूट फूड की जो ट्रे होती है वो रख सकते हो एंड सबसे बढ़िया बात की अगर आप डाइनिंग टेबल वगैरह पे अपना डिनर इंजॉय करें ना तो उसके लिए ट्रे सर्विंग के लिए बहुत ज़्यादा अच्छी है काफ़ी डेकोरेटिव भी लगती है और काफ़ी ज़्यादा अच्छी भी होती है जिसमें आप बहुत सारी स्पाइस वगैरह वे की वेजिस वगैरह वे की ट्रे रख सकते हैं ये है सर्विंग प्लेट जो कि आपको काफ़ी बढ़िया ऑफर पे मिल जा रही है और इसका पूरा आपको छः का सेट मिलने वाला है और ना ये कलरफुल भी होती है अगर आपको कलरफुल में लेना है तो आप कलरफुल भी ले सकते हो वेजिटेबल ट्रॉली दिखा रही हूँ आपको ये ना वेजिट वेजिटेबल ट्रॉली मेटल की बनी हुई होती है जिसके साथ आप देख सकते हैं नीचे व्हील्स भी दे रखी है और ये चार के स्टेप में आपको मिलेंगी जिसमें अलग अलग शेट में आप अलग अलग सब्जी वगैरह या फ्रूट्स वगैरह रख सकते हैं दो लेयर की आपको यहाँ पे ड्रेनेज बास्केट मिल जा रही है ये बहुत ही लार्ज साइज की होती है जिसमें आप खूब सारा वेजिटेबल्स वेजीज वगैरह या फिर आपको फ्रूट्स वगैरह धुलने है तो आप धुल सकते हो यहाँ तक कि बॉइलिंग वाली चीज़ें भी आप आराम से इसमें धुल सकते हैं रोटेटिंग ट्रे आपको मिल जाएगी जिसमें आप अपने स्पाइसिस वगैरह की जो बॉटल्स होती है उसे रख सकते हैं और काफ़ी सारी इसमें आप चीज़ें रख सकते हैं चाहे छोटी बड़ी बॉटल कोई भी बॉटल्स हो सो आप इसमें आराम से रख सकते हो ये रोटेटेबल वाली भी होती है सो आप ईजी से से उठा भी सकते हो किस किसी भी टाइप में अलग वालग निकाल के सो काफ़ी बढ़िया है जो कि मैंने लिंक डाल दिया है यहाँ मैं आपको चॉपिंग बोर्ड दिखा रही हूँ ये चॉपिंग बोर्ड टू लेयर्स का होता है दोनों साइड से ही आप काट सकते हो काफ़ी स्मूथ और थिकन होता है सो इसमें आपको कलर और भी मिल जाएंगे पकड़ने वाला भी इसमें हैंडल दिया रहता है सो आप इसे टेबल वेयर पे भी स्टैंड करके रख सकते हैं स्टीमिंग नेट आपको मिल जाएगा ये मैस स्टीम ने, नेट होता है सो ये बहुत ही अच्छा होता है जिसके साथ आपको स्टैंड मिल रहा है आप उससे पकड़ भी सकते हो कोई भी चीज़ आपको फ्राई करनी नहीं तो आप इसमें डाल के ईजी से फ्राई कर सकते हैं स्टीम कुकर रैक आपको स्टेनलेस स्टील का बना हुआ मिल जाएगा जैसे आपके पॉट वगैरह या कुकर वगैरह गर्म रहता है आप गैस स्टोव पे रखते हो तो वो जल जाता है बट आप ये रख सकते हो उसके नीचे कुकर वग़ैरह के लिए बहुत ज़्यादा सेफ़ रहता है एंड नूडल्स स्टोरेज जार आपको मिल जाएगा नूडल्स वगैरह इस वगैरह आप इसमें आराम से सेव करके रख सकते हैं और आराम से ढक्कन को छोटा सा होल जो रख दे रखा होता है उसे आप निकाल भी सकते हैं यहाँ तक कि आप ग्रेन्स वगैरह रखना चाहें तो वो भी रख सकते हैं राइस कंटेनर आपको दिखा रही हूँ जो कि आपको आ, ये पूरा पाँच लीटर का मिल जाएगा और इसमें खूब सारा आप राइस वगैरह कंटेन करके रख सकते हो तो ये एयर टाइट वाले कंटेनर होते हैं सो तो इसमें चीज़ें ना सेफ रहती हैं एंड यहाँ पे इलेक्ट्रिक कुकिंग पैन आपको दिखा रही हूँ ये इलेक्ट्रिक से ही यूज़ कर सकते हो आप तो मुझे बहुत अच्छा लगा और इसको आप कलर वगैरह भी खरीद सकते हो जिसमें आप कोई भी चीज़ चीज़ कुक कर सकते हैं यहाँ तक कि आप बॉईल भी कर सकते हैं दो लेयर्स में आपको ये दिया रहता है एंड गज़ आपको पॉप्सिकल मेकर मिल जाएगा ये पूरा मग टाइप का बना है जिसमें अलग अलग ब्लॉक्स हैं सो अलग अलग ब्लॉक्स में आप हर टाइप की चीज़ें बना सकते हो मतलब इसके साथ आपको पूरा हैंडल भी दिया हुआ होता है आप जमा के आइसक्रीम वगैरह घर पे आराम से इंजॉय कर सकते हैं सो गज़ब का ये चीज़ है बहुत अच्छा आपको कलर्स में भी मिल जा रहा है सलाद कटर आपको दिखा रही हूँ ये ना प्लास्टिक ही बना हुआ होता है और इसकी जो कटर है वो स्टेनलेस स्टील की है बहुत ज़्यादा पैन होता है जिससे आप बनाना हो गया सलाद हो गया खीरा वगैरह आराम से कट कर सकते हो पीसेस में छोटे छोटे पीसेस में कट हो जाता है गोल शेप में सो काफी ज्यादा बढ़िया है जिसका लिंक भी मैंने डाल दिया है एंड एंगाइज फूड स्ट्रेनिंग बैग आपको मिल जाएगी ये मेस बैग होती है जिसमें आप कोई भी चीज बॉइल करते हो जैसे पालक हो गई या फिर गाजर वगैरह का जूस आपको निकालना है तो ये आप मेस बैग ले सकते हो इसमें आराम से स्टेन हो जाता है जूस वगैरह आराम से निकाल सकते हो आप जो कि आपको पूरे छः के सेट में मिल जाएगा ड्रिंकिंग ग्लास आपको दिखा रही हूँ उडन का इसमें कैप है और नीचे जो है ये ग्लास का बना हुआ है पूरा और हैंडल भी इसमें आराम से दिया रहता है जो कि आपको दो के सेट में मिल जाएगा अगर आप कहीं भी ड्रिंक वगैरह करते हैं ना तो आप इसमें पूरा सेट ले सकते हैं जिसके साथ आपको पॉपिन भी दी रहती है सो काफ़ी इजली से आप इसे परचेज़ भी कर सकते हो जिसका लिंक में मैंने डाल दिया है एंड गई यहाँ मैं आपको पॉट बाउल स्टोरेज ऑर्गेनाइजर दिखा रही हूँ ये पूरा थ्री के सेट में थ्री टायर का है जिसमें आप बड़े बड़े जो पतीले होते कुकर पॉट वगैरह सारा सामान आप इसमें रख सकते हो ऊपर जो स्पेस दिया होता है उसमें आप माइक्रोवेव भी अपना रख सकते हो और क्रिस्टल वॉल पेंटिंग आपको बहुत बढ़िया सी मिल जाएगी इसका लिंक भी मैंने डाल दिया अगर आपको परचेज करना है तो लिंक आप देख सकते हो पड़ी है नीचे और काफी सारी स्टाइलिश में और भी डिजाइन आपको मिल जाएगी यहाँ मैं आपको डिप सोप ट्रे दिखा रही हूँ ये डिप सोप ट्रे इसमें आप साबुन वगैरह भी रख सकते हो जिससे पानी वगैरह ड्रेन आराम से हो जाता है अगर आपको इसमें स्क्रबर वगैरह रखना है तो आप इसमें स्क्रबर भी रख सकते हो जो कि बहुत ही स्टाइलिश है और यहाँ पे मैं आपको टॉयज स्टोरेज ऑर्गेनाइजर दिखा रही हूँ ये पूरे मतलब कि जो आप देख रहे हैं ये सीशे का ना ये प्लास्टिक का बना हुआ था बहुत ही हल्के होते हैं जिसमें आप खूब सारे टॉयज़ वगैरह भर के रख सकते हो अगर आपको दो के सेट में लेना है तो आप दो के सेट में ले सकते हैं फुट स्क्रबर आपको मिल जाएगा इससे आप दो काम कर सकते हो एक तो अपनी जो फुट की डेड स्किन होती है उसे छुड़ा सकते हैं एक साइड से आप उसे स्क्रब कर सकते हैं फुट वगैरह काफ़ी अच्छे से क्लीन हो जाता है और स्मूथ अगर अगर आपको स्मूथ टाइप का भी करना है ना तो आप इससे कस के रगड़ के कर सकते सक हो सो इन वन आपको ये पूरा ब्रथ मिल जा रहा है स्क्रीन क्लीनर आपको किट दिखा रही हूँ जैसे आपकी फ़ोन की स्क्रीन हो गया या आपकी आपको कोई भी स्क्रीन वगैरह साफ़ करनी ना तो ये पूरा आप किट ले सकते हैं जिसमें आपको स्प्रे वगैरह भी मिल जाए साथ में से so, आपको दो के सेट में मिल जाएगी और इसे यूज़ करने के बाद आप धूल वगैरह भी सकते हो लैपटॉप वगैरह या फिर आपको आईफोन वगैरह कुछ भी साफ़ करना है तो आप इसे साफ़ कर सकते हैं की क्लीनर आपको दिखा रही हूँ ये, ये पूरा मल्टी फंक्शनल की क्लीनर आपको किट मिल रहा है जिससे आप की वगैरह के जो बटन्स होते हैं उसे आप आसानी से साफ़ कर सकते हैं उसके बाद आप अपनी ईयरबड्स वगैरह को साफ़ कर सकते हैं आसानी से इसके साथ आपको स्प्रेज की छोटी बोतल दी हुई होती है जिससे आप अपने फ़ोन की स्क्रीन भी साफ़ कर सकते हैं ऑमलेट फ्राइंग पैन आपको मिल जाएगा नॉन वाला भी मिल जाएगा एट इसमें फ़ोर ब्लॉक्स बने हैं जिसमें आप अलग अलग टाइप की इसमें ऑमलेट बना सकते हो अगर आपको और कोई भी चीज़ कुक करनी ना तो आप इसमें कुक कर सकते हैं बाथरूम सेल्फ रैक आपको मिल जाएगा ये बहुत ही ज़्यादा स्टाइलिश वाला बाथरूम सेल्फ रैक है जिसका लिंक भी मैंने डाल दिया है उसमें खूब सारी आप बॉटल्स वगैरह या फिर आपको टॉवल है तो आप टॉवल भी इसमें टांग सकते हैं सिंक स्पंज रैक आपको बहुत बढ़िया से मिल जाएगा सिंक में आप इसे कैच करके आराम से लगा सकते हो स्पंज सोप वगैरह आप इसमें ब्रश वग़ैरह भी रख सकते हैं सो तो इसमें आपको कलर भी मिल जाएंगे कई सारे कलर्स आपको मिल जाएंगे यहाँ तक कि आप वॉल्स पर भी इसे लगा सकते हो सीरियल ग्रेंड ग्रेंडर आपको मिल जाएगा मतलब आप इसमें कोई भी सामान हो गई स्पाइसेस वगैरह आप इसमें कर सकते हो यहाँ तक कि लहसन वगैरह भी आपको ग्रेंड करना है तो आप ग्रेंड कर सकते हैं टॉप टाइट बकल आपको दिखा रही हूँ छोटे छोटे ये टॉप्स टाइप बकल होते हैं जो कि आपको अपने टॉप वगैरह को टफ़ करने के लिए मिल जाएंगे आप इसे टक कर सकती हैं आराम से और काफ़ी स्टाइलिस भी लगते जो कि आपको पूरे सेट में मिल जाएंगे ये पूरे बारह के सेट मिलते हैं आपको बॉटल क्लीनर ब्रश आपको बहुत बढ़िया सा मिल जाएगा जैसे बॉटल के अंदर हाथ तो जाता नहीं बट आप ये ब्रश ले सकते हो जिससे हर जगह पे आप काफ़ी अच्छे से क्लीन कर सकते हो दूर दूर तक पहुंच जाता है यहाँ तक कि आप लॉन्ग हैंडल वाला भी लेना चाहें तो आप ले सकते हैं प्रेशर कुकर आपको दिखा रही हूँ बहुत ही ज़्यादा स्टाइलिश और प्रीमियम क्वालिटी का आपको ये प्रेशर कुकर मिल जाएगा पूरा स्टेनलेस स्टील का बना हुआ होता है जिससे आप आसानी से खोल सकते हो अगर आपको और भी कोई लिड वगैरह लगानी है तो आप इसमें लगा सकते हैं सोप पम्प डिस्पेंसर आपको मिल जाएगा ये प्रेस करने पर आपका पूरा सोप निकाल आता है इसमें आप बस लिक्विड भर के आराम से इसे पम्प करके आसानी से निकाल सकते हो जो कि आपको दो के सेट में मिल जाएगा अगर आपको कलर चाहिए तो आपको कलर भी मिल जाएंगे एंड गई जहाँ मैं लास्ट प्रोडक्ट आपको दिखा रही हूँ टेबल कवर आपको ये पूरा मिल जाएगा ये ना वाटर प्रूफ होता है सो तो आपको काफ़ी सारे कलर में मिल जाएगा डिज़ाइन वगैरह भी आपको इसमें मिलने वाली है जिससे कुछ भी अगर आप जला देते हो ना तो वो जलता भी नहीं है और वाटर प्रूफ रहता है सावर हेड होल्डर आपको मिल जाएगा सावर वगैरह को लगाने के लिए इसमें आप वॉल पर आसानी से टांग सकते हो और ये ना मूवेबल भी होता है सो तो आप इसे मूव करके कहीं भी यूज़ कर सकते हैं सिंक नेट बैग आपको रैक दिखा रही हूँ बहुत बढ़िया आप सिंक में फंसा के पूरी नेट बैग लगा सकते हैं गार्बेज की जो भी चीज़ें वेस्टेज होती हैं वो इसमें डिप कर सकते हैं और इसे वेस्टेज के डस्टबिन में भी डाल सकते हैं सो तो काफ़ी बढ़िया प्रोडक्ट है जो कि आप अमेज़ोन से ले सकते हैं लिंक वगैरह भी मैंने डाल दिया है एंड गई मेरा लास्ट प्रोडक्ट है यहाँ पर स्टोरेज बॉक्सेज ये पूरा आपको तीन के टायर के बॉक्स में मिल जाएगा जिसमें आप टॉयज होगी या फिर आपको पॉट वगैरह किचन के सामान रखने हैं तो आप किचन की भी सामान रख सकते हो स्टोर करके घर की कोई भी स्टोरिंग सामान होती है तो आप इसे रख सकते हो बेड के साइड में भी रख सकते हो कलर वगैरह और यहाँ पे आपको सेफ वगैरह भी मिल जाएगा जिसमें आपको ये पूरा बॉक्स दिया रहता है और दोनों की साइड से आप इसमें सामान वगैरह निकाल सकते हैं डेस्कटॉप क्लीनिंग ब्रश आपको मिल जाएगा छोटा सा पैन होता है जिससे आप टेबल वेयर की जो गंदगी होती है उसे आप आसानी से साफ कर सकते हो जिसके साथ आपको पैन और ब्रश दोनों ही मिल रहा है गाइज वीडियो को यही एंड करते हैं मिलते हैं कल की वीडियो में तब तक टाटा बाय बाई थैंक्स फॉर वॉचिंग